रिक्शा चालकों के सड़क जाम से जुड़ी खबर का दूसरा भाग, झगड़ा किससे, शिकायत के किसके खिलाफ, कौन सा डर है राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष इरशाद शेख का। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 19 अप्रैल को कुछ रिक्शा वालों ने किस्मत कॉलोनी पर सड़क जाम करने की कोशिश की, उन्हें समझाने के बाद वो हटे। यहां पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक निवृत्ति कोलटकर के साथ उन्होंने बातचीत की, अपनी समस्या रखी। उस पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कोलटकर ने उन्हें कहा कि आप चलिए, जो भी रहेगा बातचीत करके मामले का समाधान करते। यहां पर जब रिक्शा चालक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कोलटकर इनसे बात कर रहे थे, उस वक्त हमने क्या कहा वो हम आपको सबसे पहले दिखा रहे। हम तमाम रिक्शा चालकों को, ये यूनियन के इसमें पदाधिकारी थे, इनको अच्छे से जानते हैं, और इनकी जो समस्या थी, महज ये रमजान के बचे हुए 3 दिन का मामला था, इसीलिए हमने वहां पर सबसे पहले वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कोलटकर को ही ये बात बताई कि सर ये इस तरीके का स्टैंड वगैरह के मामले में जाएंगे तो देरी हो जाएगी, बहुत छोटा सा मामला है, बातचीत करके सुलझ जाएगा, उनका भी काम चले, इनको भी समस्या ना हो। बहरहाल उसके बाद जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ, उसके पहले वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। अब वीडियोस देखिए, और पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष इरशाद शेख, ये उनकी एक साथी महिला नूरी हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही, जबकि हमारा कोई झगड़ा इनसे था ही नहीं। हमने भी शिकायत दर्ज कराई बाद में, और हमने भी तमाम मीडियाकर्मी जिन्होंने इनसे बातचीत की, इनसे पूछा क्या मामला हुआ था। अब ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि टॉवर के पास, मंच के पास आकर के आपको रफीक कामदार गालियां दे रहा है। भाई मैं क्यों दूं आपको गालियां। बहरहाल मैंने, तमाम मीडिया ने मुझसे इस पर जो बातचीत की है उसमें मैंने अपना जवाब दिया है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से ये पूरा मामला था। पुलिस स्टेशन के पास भी मैंने इन्हें इरशाद शेख साहब को समझाने की कोशिश की कि आपकी पूरी तरीके से गलत फहमी है, आपका और रिक्शा वालों का मसला था जो कि महज बातचीत से हल करने की बात थी, लेकिन आपने इसको एक अलग मोड़ दे दिया, पता नहीं किस डर और किस सोच के तहत दिया, ये इरशाद शेख ही जान सकते हैं और बता सकते हैं। तो आए हैं ऊपर से मंडपान जो पूरा रोड कर दिया, वो देखिए ना, चरीपा रोड के बाहर में जो मंडप पानी वाले लोग, मैं पुलिस मदद केंद्र में ले जाके राजीव गांधी ऑफिस का आगे वाला वो पूरा पट्टा कब्जा हो गया, उधर बाइक पार्किंग कर रहे, हमारे पास जगह नहीं है गाड़ी रोकने के लिए। एक मिनट आप क्या बोल रहे हो, तो सुनो, अभी रमजान में आपको सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा, तब पब्लिक आती है शॉपिंग के लिए आती है, हम लोग भी रात को 2-2 बजे रुकते हैं, हम लोग का यहाँ पे के बस स्टॉप तुम्हारा रिक्शा स्टैंड का स्टॉप का कुछ ले गया है, कहाँ पे बेहतर है कि 3 दिन बचे अपने पास, इस 3 दिन में अपन कैसा नियोजन कर सकते, कैसा प्लानिंग कर सकते, इनकी भी थोड़ी शिकायतें दूर हो, उनका भी काम चले, ऐसा बीच का रास्ता निकाल करके इसको आपको
लोगों को बोलो फोटो मारेगा, पुलिस फोटो मारेगा। देखिए कैसा है ना, यहाँ पे इफ्तारी थी रखी हुई थी चौकी में, हम चौकी में इफ्तारी किए, उसके बाद हम यहाँ पे सीधा घर पे चले गए। वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ रहा था, मैंने जाकर नमाज पढ़ा, उसके बाद वहाँ से मैं नमाज पढ़ रहा था, उतने कितने फ़ोन आने लगे कि पूरा रास्ता जाम है, रिक्शा वाले रिक्शा आंदोलन किए हुए। तो मैंने बोला भाई अपने उससे क्या करने का है, प्रशासन समझेगी। फिर बोले भाई आप अपने पास आके लोग मंच पे ना अपने को गाली देके जा, रफीक कामगार आए थे और अपने मंच पे गाली देके गए नीचे से। इसने बोला ये सामने बैठी खड़ी है, इसके सामने इसके सामने मैंने मयूर भाई को आवाज दिया, मेरे तुम आवाज नहीं दिया, तुम्हारी आवाज ऐसी पहले टेढ़ी, तुमने मेरे को गाली दी है, तुमको नहीं गाली दी, मेरे को गाली दी है, तुमने मेरे को गाली दी है, तुमने मेरे को गाली दी है, मेरे को गाली दी है, तुमने मेरे को गाली दी है, तुमने नहीं है, तुमने गाली दी है मेरे को, तुमने मेरे को गाली दी है, समझे क्या? मामला हुआ था जिस तरह से राजू गांधी हॉकर की यूनियन के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि कुछ गाली गलौज हुई थी, क्या हुआ था पूरा? आपके सवाल के जवाब में आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप किस्मत कॉलोनी पे थे? नहीं, रिक्शा वालों के साथ थे ना? वहाँ से फिर आगे क्या हुआ आप मुझे बताएंगे? नहीं, वहाँ से न्यूज़ कवर करके हम लोग आगे चले, आगे निकल गए थे वहाँ से। ये रिक्शा यूनियन वाले सब पहुँचे शरीफ रोड नाके पे, जो इनकी शिकायत थी, जो इन्होंने सीनियर पीआई कोलटकर साहब को बताए थे। तो वो जगह देखने इनके साथ में सीनियर साहब उधर गए, हम लोग वहीं खड़े थे, इनके साथ में इरशाद भाई की कुछ झंझट हुई। तो उस दौरान इरशाद भाई बीच रोड पे मगजमारी करते हुए इससे गया, रिक्शा वाला ऐसा करता है वैसा करता है ये बताने के लिए, उस वक्त वो गाली गलौज कर रहे थे। तो मैंने उनको पकड़ा, अरे मतलब इरशाद भाई, और मैंने वो गाली उनको दोहराया कि मतलब इसी गाली क्यों दे रहे हो, साइड में आओ, सीनियर आए हैं, क्या उनका मुद्दा है, बैठ करके बात करके, छोटा सा मुद्दा है, उनको एक जगह चाहिए पैसेंजर उतारने के लिए, उसकी वो बात कर रहे, तो वो कोई बड़ा मामला नहीं है, बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा। अब इस बात में मैंने उनको क्या गलत बोल दिया,
क्या मैंने उनके मार्केट को टारगेट किया, क्या मैंने वो मुझे बोल रहे कि वीडियो नहीं बनाना हमारे मार्केट का, हमारे मार्केट की न्यूज़ नहीं बनाना, तो मतलब क्या मार्केट में कुछ भी चलते रहेगा और तुम पत्रकार को इस तरीके से बोलते रहोगे क्या? लेकिन क्या वजह, क्यों नहीं बनाना न्यूज़? अब उनको ऐसा लग रहा है ना, वो भी मुमरा के तानाशाह बनते जा रहे हैं जैसे, फिर इसलिए बोल रहे होंगे। इलीगल तौर पे उन्होंने वहाँ पे वो मंडप बना के रखा है, उसी की वजह से सारा विवाद हो रहा है, वो भी नहीं बताया। देखिए वहाँ पर जो लोकल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इनका जो एक वॉच टावर है वो पिछले साल भी लगा था, वो उस तरफ लगा था, इस साल इस तरफ लगा है। तो ये यूनियन वालों का क्या कहना है ये पहले आप समझ लो, इनका क्या मसला था। इन्होंने पत्रकारों को मैसेज दिए थे कि हम चक्का जाम करने वाले, हम तो एक पत्रकार के हैसियत से उधर चक्का जाम की खबर कवर करने गए थे। सिर्फ इतना है कि वो भी पुराने ताल्लुकात के, ये भी पुराने ताल्लुकात के हैं, आपस में झगड़ा ना हो इसके लिए मैंने उनको समझाया कि गाली गलौज करके काय को गर्मा गर्मी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो उनको ऐसा लगा, उनकी दी हुई गाली मैंने दोहराई कि मैंने गाली दिया उनको, जबकि मैंने उनको कोई गाली गलौज नहीं की थी, क्योंकि मेरा कोई मसला ही नहीं था। मैं तो सिर्फ दोनों पक्षों को समझाने की बात कर रहा था कि भाई दो दिन तीन दिन रमज़ान के बच्चे हैं, अब जो भी है एक सॉल्यूशन निकाल करके एडजस्ट करके उस मसले को ख़त्म करो। अब उन्होंने गलत फहमी में आकर के उधर गाली गलौज करना, हाथ पाँव तोड़ने की धमकी देना इन लोगों को भी, हम लोगों को भी, और फिर आकर के उल्टा यहाँ पर कंप्लेंट करना, इस तरीके का काम किया। बाकी और कोई मामला नहीं था। हाँ हमने भी कराया ना, मैंने भी कराया हूँ, मैंने भी अपनी कंप्लेंट दिया हूँ, 504 506 के तहत मेरी भी शिकायत उनके खिलाफ दर्ज हुई है। और मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी मकामी पत्रकार हो यहाँ के, क्या वहाँ की सच्चाई है, क्या है मामला, सब आप लोग जानते हो। क्या मैं उसके बोलूँ वापस से और फिर उस पर बातें करूँ मैं फिर से? मनपा की भी कोताही है, साफ तौर पर है, साफ तौर पर है। जैसे देखो अभी आप चले जाओगे तो अमृतनगर से ले करके तो कौसा कब्रस्तान तक पाकिजा टावर, और उसके बाद कौसा कब्रस्तान का जो चलने का ऊपर का रास्ता है वो जो वहाँ पर भी अभी धंधे लगने लग गए, अगर आधे से ज़्यादा रोड के ऊपर गरीब के पेट के नाम पर रास्ता कब्जा हो जाएगा तो शहर का आदमी चलेगा कहाँ से? एम्बुलेंस, हाँ एम्बुलेंस फंसेगी, कोई बड़ा बुजुर्ग है, हाँ कोई भी मसला हो सकता है। तो एक पीला पट्टा जो दिया गया है उस बैरिकेड में होकर को रहना चाहिए। अब सबको पता है के सीजनल धंधे वाले आते हैं, उनको कौन बुलाता है, कौन लगवाता है, कौन पैसे लेता है, सब लोगों को ये खुला सच पता है सबको। अब मेरा सिर्फ मामला ये था कि इनके और उनके बीच में वहाँ झंझट होने जा रहा था, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, अलग करके छुड़ाया, हाँ, और वो उसको गलत फहमी में ले लिए, जबकि मेरा उनका कोई झगड़ा था ही नहीं। मैंने सिर्फ उनके यूनियन के पदाधिकारी जो टावर में मयूर सारंग बैठे थे क्या, और वो नूरी करके है, हाँ, तो मैंने बोला आप जिम्मेदार लोग बैठे हो और आपके सामने ये इस तरीके से अगर मंडप आपके टावर की आड़ में धंधे लगेंगे तो फिर इनकी तो शिकायत जायज़ है ना। फिर ये क्या गलत बोल रहे हैं? आप पीछे छपड़ियाँ भी लगाए हो, उसके आगे धंधे की दो दो लाइन और लगाओगे तो, और फिर पार्किंग लगेगी तो फिर रिक्शा वाला रिक्शा रोकेगा कहाँ, पैसेंजर उतारेगा कहाँ? देखिए सभी रिक्शा वाले खराब नहीं है और सभी रिक्शा वाले भी अच्छे नहीं है, दोनों तरह के लोग हैं उसमें, बगैर लाइसेंस बैच चलने वाले, बगैर वैलिड गाड़ी को स्क्रैप गाड़ियों को लेकर चलने वाले, यहाँ कितने सैकड़ों की तादाद में रिक्शा वाले हैं। अब ये लोग उनके भी खिलाफ बोलते हैं, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, तो लगता है ऐसा कि ये खामखा भौंक रहे, खामखा चिल्ला रहे, बस ये एक पिक्चर क्रिएट होती है, होता जाता कुछ नहीं है, हुआ होता है। क्योंकि जब तक प्रशासन सख्ती से इस पर काम नहीं करेगा तब तक ये मसला हर रमज़ान में पैदा होता रहेगा। ये रिक्शा यूनियन और हॉकर्स यूनियन में क्या मसला हुआ था जो विवाद चौकी तक पहुंचा? रिक्शा असल में मसला कैसा है तुमको मालूम है क्या? हॉकर्स यूनियन जो है इनको जो हद दी गई है ना, इनको एक बैरिकेडिंग की हद दी गई है, इसके बाहर उन्होंने शरीफा रोड के ऊपर कम से कम नहीं बोल के भी 9 फुट का मंडप बना दिया, और वो मंडप ऐसी जगह पॉइंट पे बनाया कि उसके आगे का जो पूरा पट्टा है ना, वो पूरे पट्टे के ऊपर जो इनके अभी इनके धंधे वाले हैं कि कोई और धंधे वाले हमको नहीं मालूम, मगर उधर धंधे लग रहे, वो इतनी बड़ी जगह है कि उधर 2 रिक्शा साइड में दब के पैसेंजर उतार भी सकती है और चढ़ा भी सकती है। हमारा विरोध यह था कि भाई तुमने जो DCP साहब के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो ना, DCP साहब ने इनको आदेश दिया था कि इस बार वो बैरिकेडिंग के बाहर धंधा नहीं लगेगा क्या, मगर उसके बाद भी 20 रोज़ा क्रॉस होने के बाद उसके बाहर धंधे लग रहे, और धंधे लगने के बाद में जो रिक्शा वाला वहाँ पर पैसेंजर उतारने के लिए भी खड़ा हो रहा है तो उनके वॉलंटियर जो है ना वो रिक्शा वाले को धमका रहे, उनसे मारम पीटी करी। तो आज हमने 2 दिन से हमने आह्वान किया था कि हम रिक्शा बंद करेंगे,
और रोड पे चक्का जाम करेंगे। आज हमने पुलिस भी वहाँ पर गई। जी जी, पुलिस ने क्या आप लोगों को आश्वासन दिया है उसके बारे में बताएं। जी सीनियर साहब जब आए ना तो सीनियर साहब ने हमको क्या बोला, आप लोग ऐसा मत कीजिए, आपका जो तकलीफ है हमारे साथ में चलिए और हमें बताइए, हम उसका सोल्यूशन निकाल के देते। तो हमने जब वो मंडप के पास लेके गए तो उधर पे धमकी दी जा रही है कि अगर ऐसा करोगे तो हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, रिक्शा वालों का ऐसा कर देंगे। सब थे, सीनियर साहब भी थे, इंजीनियर के साथ, सीनियर साहब के सामने ही हमारी धमकियाँ दे दी जा रही थी। आपने भी कंप्लेंट किया? जी जी, मैंने भी कंप्लेंट किया हूँ राजू गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष के खिलाफ किया हूँ। आपसे बदतमीजी किया? जी बदतमीजी किया ना, गाली गलौज कर रहे। पहली बात तो वो इनलीगल तरीके से डीसीपी साहब के आदेश का उल्लंघन करके उधर मंडप बांधे, अगर वो मंडप बांधने का म्यूनसिपालिटी से उनको कुछ परमिशन है तो वो दिखा दे हमारे को। आपके कहने मतलब उनकी जो है जोर जबरदस्ती चल रही है, मनमानी चल रही है और वहाँ पर जो है खुले तौर पर धंधे लगवाए जा रहे हैं। जी जी जी, और वसूली भी चालू है। जी एकदम 100%, अगर वसूली नहीं चल रही तो वो मनपा को खुद शिकायत कर सकते, वो रोज आके मनपा उनके शिकायत पे कार्रवाई करेगी। लेकिन वो आप लोगों की शिकायत करते कि आप लोग कहीं भी खड़े हो जाते हो, कहीं भी आप लोग किराया देना, पैसेंजर बिठाना, टेढ़ी रिक्शा खड़ी करना, ये शिकायतें हैं आवाम। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, हम लोग को जगह मिलेगा? एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी सीनियर साहब के साथ में हमने साथ में मिलके जब वो धंधे हटाए उधर क्यों नहीं ट्रैफिक हुई? इतना विवाद होने के बाद, इतने लोग जमा होने के बाद भी उधर ट्रैफिक क्यों नहीं हुई? अगर रिक्शा वाला गलत रहता है, रिक्शा तो चली रही थी, मगर फिर भी वो रोड खाली क्यों था? धंधे हट गए, गाड़ियाँ अंदर से जाने लगी, पब्लिक अंदर से चलने लगी, तो वो रोड खाली था ना, सब पत्रकार साथ में थे हमारे। जैसा कि आपने बताया डीसीपी साहब के ऑर्डर के हिसाब से 20 रमजान तो गुजर गए, अभी कुछ 2 या 3 रमजान बचा, इसके बाद आप लोग आपका विरोध कर सकते, तो ये विवाद बनता नहीं था भाई, विवाद बनाना था आपको। एक मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, 20 रमजान अगर धंधा हमारा मार्केट वालों का नहीं था तो रिक्शा वालों का भी नहीं था ना। अब 20 रमजान के बाद में 10 रमजान अगर उनको कमाना, उनके बाल बच्चों के लिए, उनके माल जो आए वो बेचने के लिए, तो रिक्शा ड्राइवर के तो भी बाल बच्चे हैं, उनके भी तो कपड़े लगते हैं, अगर उनको धंधा करने ही नहीं मिलेगा। और एक बात बताइए, अमृत नगर शरीफा नसीम बाग से लेके तनवर नगर कब्रस्तान तक के धंधा है, अगर वहीं तक के पूरा रिक्शा ड्राइवर खाली चले जाएगा तो उसके बाद पैसेंजर ढूंढेगा कैसे? सही बात है।